यहाँ पे गिल को फिनिश कर दिया गया है। मवी के लिए यहाँ पे पुश किसी भी क्षण आ सकता है, बट मवी भी यहाँ पे जोन के डैमेज के द्वारा झुलझ रहे हैं। और यहाँ पे मवी का शानदार नॉक देखने को मिलता हुआ वैल्डिस के वेलमॉट की तरफ। आर्मस्ट्रांग और मार्टिन ये दोनों प्लेयर जरूर मौजूद है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे रिवाइव दिया जा सकता है वेलमॉट को, वो देखना पड़ेगा सर्कल के अंदर जा सकते हैं या नहीं। बट इसी के साथ यहाँ पे ऑरेंज रॉक की स्क्वाड को भी कर दिया गया एलिमिनेट, बट वहां पे दूसरी तरफ नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स बहुत ही शानदार किल्स निकालते हुए जा रहे हैं। सर्कल का बढ़िया उपयोग करते हुए यहाँ पे नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स देखना पड़ेगा कि आज क्या कमाल दिखाते हैं। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स भी हो चुके हैं यहाँ पे एलिमिनेट। हस्तर इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वैल्डिस के एक प्लेयर को जरूर नॉक करा था, बट टीम सीक्रेट भी अपना आतंक मचाती हुई आर आर क्यू को कर चुकी है एलिमिनेट। आर आर क्यू के प्लेयर्स थोड़ा सा किल ओरिएंटेड हो गए इस वाले मैच में, उसके चलते थोड़ा सा लेट रोटेशन जरूर डाला था, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी एलिमिनेशन होते हुए नजर आते। टॉप 6 टीम्स अब आपस जिंदा है, 16 प्लेयर्स बचे हुए मात्र। एफएस का स्क्वाड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है जोन के अंदर आने के लिए। टीम सीक्रेट और नोवा गॉडलाइक एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है जोन के अंदर। हस्तर यहां पे बात कर तो पीछे से अभी भी किल निकालने की कोशिश करेगा, गोडार्ड को यहां पे नॉकडाउन ऑलमोस्ट करते रह गए थे, कमबैक हो तो यहां पे हस्तर जैसा एक किल ऑलरेडी ले चुके हैं, बट अब आर्म जॉन के ऊपर फाइट आते बिकॉज गोडार्ड के लिए डिले करनी पड़ेगी फाइट सो दैट ही कैन गेट हील्ड। बट पीछे से जोन आ रहा है एफएस के प्लेयर्स, काशिफ और मलिक को क्लोज इन करना पड़ेगा। 6 पॉइंट यहां पे नोवा गॉडलाइक निकाल चुका, चारों प्लेयर जिंदा है, कोई मात्र ऐसी टीम है जिनके चारों प्लेयर जिंदा है। मलिक वहां पे गोडार्ड को नॉकडाउन करेंगे, दैट मींस जो आधा काम वहां पे हस्तर ने छोड़ा था वो पूरा काम एफएस के प्लेयर्स करते हुए। ऊपर से एक बेहतरीन ड्रोन व्यू आप देख सकते हो, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स वो भी क्लोज इन करेंगे, बट मलिक एक और नॉक निकालेंगे मार्टिन के द्वारा, बट पीछे से रिटेलिएशन फायर आएगा आर्म जॉन के द्वारा, काशिफ नॉकडाउन हो जाएंगे जी। और मलिक यहाँ पे एक ऑलरेडी पिंसर डाउन कर चुके वाल्डस के प्लेयर्स को, सर्कल के अंदर उनको आने नहीं दे रहे। आर्मस्ट्रांग और मार्टिन काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए, मार्टिन यहाँ पे फिनिश जरूर हो जाएगा, बट आर्मस्ट्रांग क्या वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं? मलिक को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। टीम सीक्रेट के यू हाई को भी स्पॉट कर दिया है नोवा गॉडलाइक के वंपायर ने। इसी के साथ यहाँ पे डंपके के चोट पे नोवा गॉडलाइक वापस आ चुकी है। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। वंपायर के पास एक बहुत ही अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज है। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश जरूर हो चुके हैं, एलिमिनेशन उनको मिलता हुआ, बट टीम सीक्रेट वर्सेस नोवा गॉडलाइक ये एक जो फाइट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल 4 vs 4 vs 1 की ये फाइट है। वैल्डस का जो आर्म जॉन है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट ये किल के हस्तर निकाल पाएंगे अपने लिए वो क्वेश्चन जरूर रहेगा। बट यस यहाँ पे टीम सीक्रेट का स्क्वाड रेक्स वाला किल निकालेंगे। वैल्डस द मर्डरर का स्क्वाड हो चुका है एलिमिनेट, मात्र 2 टीमें बची हुई है सनॉक वाले मैच में। नहीं तो ऐसी टीम है जहां पे आपको पता है दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है सेकंड चार्ट में ऊपर आने के लिए, बट नोवा गॉडलाइक के लिए एक कमबैक चिकन डिनर हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चिकन डिनर भी है। बैट टॉय को वहां पे चका सा डैमेज दिया वैम्पायर ने, एंड एक्सपेक्टेशन भी इस प्लेयर से ऐसी कुछ है कि एक नॉक निकाले बाद में पुश करे अपने बाकी टीममेट्स के साथ। जी हाँ, और यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स की अगर बात करें तो अभी भी इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास फायदा ये है कि उनके प्लेयर्स जो है कंस्ट्रिक्टेड है। अगर एक डायरेक्शनल यहाँ पे पुश देते तो शायद कुछ हो सकता है लेफ्ट साइड पे स्मोक डाल के, और वही कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस यहाँ पे अच्छा खासा स्मोक का उपयोग करते हुए नजर आ रहे, प्रोन होके जा रहे, बट मैट टॉय ने फिलहाल हस्तर को पिक ऑफ कर दिया। यू हाई ने यहाँ पे स्मोकी को पिक ऑफ कर दिया। आई शॉट यहाँ पे हस्तर का किल जरूर कंफर्म करेंगे। इसी के साथ टीम सीक्रेट के प्लेयर्स पुश इन करते हुए नोवा गॉडलाइक के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ वैम्पायर दोनों प्लेयर्स जीवित है, क्या यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे? वैम्पायर ने यहाँ पे रेक्स को नॉक कर दिया, यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी कोशिश कर रहे हैं, वैम्पायर यहाँ पे नॉक लेने की कोशिश, बट यू हाई ने यहाँ पे उनको नॉक कर दिया, एग्जिस्टेंस अकेले बचे, बट कितने देर तक? और इसी के साथ टीम सीक्रेट बैक टू बैक यहाँ पे चिकन डिनर, कल भी एंड करा था और आज भी यहाँ पे पहला दिन का शुरुआत करती हुई शानदार चिकन डिनर। बिल्कुल नोवा गॉडलाइक से एक्सपेक्ट